क्या सोच के आपने आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन की? मैं 15 साल से 3 टर्म के लिए भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रह चुका हूं और सोचता रहता था कि गवर्नमेंट, सत्ता, सरकार, ये सभी अच्छे काम करने के लिए, गरीबों का काम करने के लिए, प्रजा का हित करने के लिए जरूरी है। इसमें रहते रहते बहुत अच्छे काम भी मैं कर पाया था, दरिया के किनारे पे पानी के बड़े बड़े सरोवर बनाए, मगर आगे आगे मैंने देखा कि पार्टी में भी जब प्रजा का आवाज सुना नहीं जाता है तो मेरा जैसा आदमी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऐसा हुआ कि हमारे किसानों के आवाज, हमारे गरीबों की आवाज ये सरकार ने सुनी नहीं, तो मैंने झंडा लिया, आंदोलन किया। मुझे था कि मैं सच की राह पे जिंदा रहता हूँ, जीता हूँ, काम करता हूँ, तो मेरी आवाज को सुनेंगे और मुझे न्याय मिलेगा, मगर न्याय नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी की मेरे पक्ष की सरकार थी, मगर न्याय नहीं मिला। हाईकोर्ट तक भी हमको न्याय नहीं मिला, तो सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ गए तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उसके भी सहानुभूति मिली, तो सच बात को ढूंढ निकाल के बाद और ए सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई और आखिर में न्याय मिला। तो मैं सोचता था कि ये जो सभी पार्टियां है उसमें कुछ न कुछ गंदगी आ जाती है, आ गई है, तो इसमें क्या किया जाए। मुझे एक भी पार्टी में मेरा दिल नहीं मानता था, मगर बहुत के प्रजाजनों के साथ जो चर्चा हुई, बहस हुई, तो बोला कि आप कोई पार्टी का आदमी नहीं है। तो हमने ऐसा प्रयोग भी किया कि सद्भावना के नाम पे अपक्ष लड़के देखे, मगर इसमें जो कुशलता चाहिए, सज्जनता थी, मगर हमारे पास ये कुशलता नहीं थी, तो हम एक भी सीट नहीं ला पाए। आखिर में सोचा कि क्या किया जाए। आखिर में भारतीय जनता पार्टी का खराब अनुभव मुझको अंदर से हुआ, तो इसमें मैं कभी काम नहीं कर सकता, तो मैं कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसी रखता था सहानुभूति, मगर ये विधिवत उसके साथ मैंने ज्वाइन नहीं किया था। मैं ज्वाइन करने वाला था, इतने में ही ये दिल्ली का आम आदमी का रिजल्ट, आम आदमी पार्टी का रिजल्ट, परिणाम जो इलेक्शन का आया, तो ये सोचने से भी, हमारी कल्पना से भी आगे, कोई ऐसी कल्पना नहीं थी। मैं भी ये सच्ची बात को चाहता हूँ, मगर सच्ची बात प्रैक्टिकली सफल नहीं होती है तो फिर क्या। तो ये सफलता जब उन लोगों ने ये ली उसके विचारों के साथ, तो करीब ऐसे 15 महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी को मिलना हुआ था, अन्ना जी का भी उसी वक्त ही मिलना हुआ था, उसी के साथ उन्हों के साथ चर्चा भी की थी, मगर मैं उसके साथ जोड़ नहीं पाया था। तो कुदरत की यह मर्जी होगी कि मैं सभी ऐसे में ढूंढ रहा था कि सच कहाँ है, पवित्रता कहाँ है, शुद्धि कहाँ है, प्योरिटी कहाँ है। ये ढूंढते ढूंढते मुझको ऐसा लगा कि यहाँ पूरी प्योरिटी है, ये प्योरिटी का पौधा है, प्योरिटी का पौधा है, तो ये पौधे को आगे बढ़ाना है, ये हमारा धर्म है, हमारी फर्ज है, और इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। एक शॉर्ट में चाहिए, बहुत संक्षेप में, पहले आप बीजेपी में लेकर विरोध कर रहे थे, फिर स्वतंत्रता के तौर पर विरोध किया, अब आम आदमी पार्टी के साथ, आपको लगता है कि आप चुनौती दे पाओगे केवल मोदी जी या कांग्रेस दोनों? नहीं, हम तो विश्वास के साथ चलते हैं, भरोसा के साथ चलते हैं। हमें मालूम है कि यहाँ बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का कितना प्रभाव है। हमें मालूम है कि कांग्रेस भी एक पुरानी पार्टी है, मगर हमें यह भी मालूम है कि आम आदमी एक सबसे बड़ी पार्टी है, एक सबसे बड़ा ऐसे समूह है, और आम आदमी न्याय के लिए, ये विकल्प के लिए रात दिन सोचता रहता है कि हमको कहाँ से हमारी 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 जरूरियातें पूरी हो सके, हमको न्याय मिले, हमको अच्छी अच्छे अच्छे अच्छा सुविधा, अच्छा जीवन मिले। तो ये थर्ड विकल्प, तीसरा विकल्प गुजरात में अभी तक नहीं हुआ है, ऐसा लोग पूछते हैं, मगर ये तीसरा विकल्प है, ऐसा विकल्प गुजरात में कभी नहीं आया है, ऐसा विकल्प आया है, तो हमें पूरा ऐसे भरोसा है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में सफल होगी। कनु भाई, आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या फिर से मैदान में आ गए आप या आम आदमी पार्टी की ओर से आपके लोग? अभी तो आम आदमी पार्टी के लिए मैं काम करने के लिए जुड़ा हूँ, इसमें जो भी जिम्मेदारी आएगी मैं अदा करूंगा,
लड़ने की जिम्मेदारी आए ना आए ये मुझे मालूम नहीं, ये आज इज टू अर्ली, आज मैं नहीं कह पाऊंगा। फिर भी अगर मोदी के सामने आपको आम आदमी पार्टी खड़ा करके तो आप लड़ोगे? ये कल्पना का विषय है, आम आदमी पार्टी क्या करेगी हम देखेंगे, सोचेंगे, आगे बढ़ेंगे। काम करता करता मैं अनुभव कर्यो छे के स्वच्छ